राजधानी में सभी 6 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कैंट विधानसभा के कैंट मंडल 2 में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा व कांग्रेस जैसी पार्टियां प्रदेश को लूटने के लिए सरकार बनाती हैं, वंशवाद परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं, जबकि भाजपा गरीबों की सेवा के लिए सरकार बनाती है। 4 वर्षों में योगी सरकार में जितना कार्य हुआ है उतना पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ, लेकिन अब विकास की एक प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर विधानसभा के मन कामेश्वर मंदिर के निकट बंधा रोड पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पिछली सरकारों में विकास कार्य काजगों पर होते थे, कुछ का साथ कुछ का विकास के उद्देश्य से कार्य होते थे, पर आज मोदी व योगी सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखने हुए आवश्यकता अनुसार विकास कार्य धरातल पर हो रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में हर तरफ विकास की लहर एवं सुशासन है। गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कार्य करते भयमुक्त एवं विकास युक्त प्रदेश की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आगामी चुनाव में कम से कम 350 भाजपा विधायक जीतेंगे, प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनेगी। लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कल्याण मंडप में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास तथा 4 वर्ष पर आधारित पुस्तक विकास पुस्तिका का विमोचन किया। क्षेत्रीय विधायक मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, महापौर संयुक्ता भाटिया की उपस्थिति में किया गया। इधर मध्य विधानसभा के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि रोजगार के बेहतर अवसर सृजित हो रहे हैं और उद्यमियों को प्रदेश में बेहतर माहौल मिल रहा है। इसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.